बिहार में एक बार फिर से एक ऐसा कांड हो गया है जिसने शायद बिहार के लिए एक और कालिख का काम कर दिया है। जी हां, बिहार के चेहरे पर एक बार फिर एक ऐसी कालिख पुत गई है जिसे शायद साफ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आपको बताएं कि सुल्तानगंज में बन रही अगवानी फोरलेन महासेतु एक बार फिर से इसका सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। पिछले साल भी इसका सुपर स्ट्रक्चर हवा यानी के आंधी में उड़ चुका था, तो एक बार फिर से ये नदी में गिरकर धराशायी हो चुका है और इसी के साथ बिहार की इज्जत भी शायद धराशायी हो गई। इसके बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले ये भी बता दें कि पहले सुल्तानगंज अगवानी फोरलेन महासेतु का सेगमेंट ध्वस्त हुआ, फिर सहरसा को मिथिलांचल से जोड़ने वाली बलुआहा घाट महासेतु का 17 सेगमेंट वाला 40वां स्पैन नदी में समा गया और अब दोबारा सुल्तानगंज अगवानी पुल का बड़ा हिस्सा तिनके की तरह बिखर कर नदी में विलीन हो गया। इन सभी बड़े प्रोजेक्टों का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है। लगातार हो रही घटनाओं के कारण कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठने भी लगे हैं। हालांकि इसके बाद भी इसको काम मिलना बंद नहीं हुआ है। हाल ही में विक्रमशिला पुल के समानांतर बनने वाले फोरलेन पुल के निर्माण की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी को मिली है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिस वक्त बलुआहा साइट पर घटिया निर्माण की बात उठी थी, उस वक्त के प्रोजेक्ट मैनेजर ही वर्तमान में अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बाबा विशु राउत विजय घाट पुल निर्माण के दौरान भी कुछ पिलरों में दरारें आई थी, जिसके बाद विजय घाट पुल निर्माण कार्य का लगभग 7 महीने काम बाधित हो गया था। बिहार के सीएम क्या कहते हैं, एक बार इस पे भी जान लीजिए कि खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच निर्माणधीन महासेतु के सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से के टूट कर गिरने की घटना की अब जांच होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पर हर बार ऐसे सुपर स्ट्रक्चर गिर जाना और एक ही पुल का दोबारा गिर जाना, कई साल के भीतर दूसरी बार ऐसे सुपर स्ट्रक्चर गिर जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर बिहार में भ्रष्टाचार कितने अंदर दीमक की तरह लग चुकी है कि आखिर उसी कंपनी को काम क्यों दे दिया जाता है। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा ये 1716 करोड़ का पुल कल देर शाम रेत की दीवार की तरह ध्वस्त हो गया। गंगा नदी पर भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी के बीच बन रहा ये फोरलेन पुल ऐसे ढहा जैसे इसे ताश के पत्तों से खड़ा किया गया था। पिछले साल इसी पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ था। 2014 से ही बन रहे इस पुल को पूरा करने की समय सीमा 6 दफे फेल हो चुकी थी। 6 बार पुल की समय सीमा फेल होने के बावजूद अब तक ये बनकर तैयार नहीं हुआ। वहीं राज्य सरकार ने अगवानी घाट पुल को बनाने का काम एसपी सिंगला कंपनी को दे रखा था। पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को इस पुल के पाए संख्या 405 और 6 के बीच सुपर स्ट्रक्चर हवा के झोंके में गिर गया था। उस वक्त ही इस पुल के निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन राज्य सरकार ने एसपी सिंगला कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की। कंपनी को पुल का काम पूरा करने के लिए और समय दे दिया गया। बता दें कि 23 फरवरी 2014 को खगड़िया में अगवानी घाट पुल के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई थी, जो कि 9 मार्च 2015 को पुल का काम शुरू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने इसके कार्यारंभ का उद्घाटन भी किया था। तब सरकार ने कहा था कि मार्च 2019 तक पुल का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उस वक्त तक 25% काम भी सही से नहीं हो पाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मार्च 2020 तक समय सीमा बढ़ाई थी, फिर समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2022 की गई, जिसके बाद जून 2022 की समय सीमा बढ़ाई गई, लेकिन इस बीच सुपर स्ट्रक्चर गिर गया, जिसके बाद दिसंबर 2022, फिर मार्च 2023, आखिर जून 2023 तक समय सीमा बढ़ा दी गई।